वो तो हम थे जिन्होंने स्ट्रीट लाइन के नीचे पढ़ाई की, और तो हम थे कि हमारा एचएल में सिलेक्शन हो गया, वरना तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी देखते क्या। तो ये इस तरह की फीलिंग भी अगर बच्चों में हम डाल रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, और इससे डेंजरस पार्ट ये है कि आप रिस्पेक्ट भी लूज करेंगे बहुत जल्दी। जैसे वो मैच्योर होगा उसके दिमाग में लास्ट इमेज क्या है, पापा वो तो डांटते ही यार, उन्होंने कब मेरे को रिस्पेक्ट की भूली बोला है, मम्मी वो तो हमेशा बोलती पढ़ाई कर, उन्होंने कभी ये समझ क्यों नहीं लिया कि मेरे से क्यों नहीं होगी। तो नाउ इट्स टाइम कमिंग टू माई लास्ट पार्ट, आई होप माई टाइम इज गेटिंग कम्प्लीट, यस शायद। तो कमिंग टू माई लास्ट पार्ट, अपने को एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक करियर चॉइस कंसिडर करना होगा, बिजनेस को एक करियर कंसिडर करना। क्या हुआ साहब, 1965 में एचएल आया, 65, 70, 80 वगैरह ऐसे कई सारी गवर्नमेंट कंपनी आई और कई सारी रिक्रूटमेंट हुई। तब क्या होता था कि लोगों के पास बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए लोग क्या प्रेफर करते थे, जॉब। तब लोग क्या प्रेफर करते थे, जॉब। 1991 तक की बात बता रहा हूँ, 91 के बाद में इंडिया के अंदर काफी ग्रोथ थी। तो अभी भी लोगों के दिमाग में क्या कंसिडर है या कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जॉब सेफ है, सिक्योर है, बट उसके लिए वैकेंसीज कितने निकल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड। अच्छा, और होता क्या है, जॉब के अंदर जो बच्चे के एकेडमिक्स अच्छे हैं, जिसके मार्क्स अच्छे हैं, वो तो सिलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए एचएल के अंदर अगर वैकेंसीज निकलते हैं, आज 100 वैकेंसीज निकलते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेरे गारंटी सर कम से कम 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, शायद ज्यादा उससे ज्यादा आएगी, 50,000 से भी ज्यादा आएगी। बिहार के अंदर 15,000 एप्लीकेशन के लिए 4.25 लाख आए, 15,000 वैकेंसी के लिए 4.25 लाख एप्लीकेशन आए बिहार के अंदर। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आपने किया, तो आपको क्या कंसिडर करना होगा, ऊपर के 15,000 तो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो 4,10,000 का क्या होगा, वो सब लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन कोई ये समझने को रेडी नहीं है कि अपना इतना पॉपुलेशन है, जॉब कम है, या अगर मेरा जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, या उसमें कैपेसिटी के अंदर नहीं हूँ, उस एरिया में मैं जा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों वो काम करूँ जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें, वो तो बस फॉलो कर रहा है, कॉपी पेस्ट। और घर पे जाता है, फोन करता है, पटवारी की परीक्षा, क्लियरिकल एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, बोलते ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐड आएगा, फिर वापस दे, नहीं हुआ ठीक है वापस दे दो, चल रहा है एग्जाम देते जा रहा है, पर सक्सेसफुल नहीं। तो आपको, अगर आपके बच्चे का बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो उसके पीछे खड़े रहिए, उसको बोलिए कि हाँ तू बिजनेस भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं कि आपने जॉब किया जिंदगी भर तो आपके बच्चे ने भी जॉब ही करना चाहिए। लेकिन आप सबका प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, आप ये चाहते हैं कि बिजनेस में फेल हो गए तो बिजनेस के अंदर रिस्क आए, पता नहीं धंधा होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ये चाहते हो कि आपके बच्चे का नाम हो, लेकिन डर क्या है कि बिजनेस में फेल हो गए तो। इसके लिए एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, वो सोल्यूशन क्या है वो समझ लीजिए, अगर काम आए तो अप्लाई करना, ठीक है। सोल्यूशन ये है कि आप उसको पहले ट्रेन करवाइए उस बिजनेस के लिए। डायरेक्टली कोई भी स्टार्टअप वार्टअप को फंडा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आता। स्टार्टअप मतलब क्या, 3 लोग थे, वो इंफोसिस में जॉब कर रहे थे, अभी उन्होंने कोई अलग ही नई कंपनी खोली, इंफोसिस में जॉब कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और अभी कंपनी खोली है बुक प्रिंटिंग की, टी शर्ट प्रिंटिंग का देखो नॉलेज है क्या, रॉ मटेरियल कितना है, इन कॉस्ट कितना है, ट्रैवलिंग कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, बुकिंग कितना लाना है, एक पीस प्रॉफिट में गिरेगा कि लॉस में गिरेगा, ये उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने बिजनेस चालू कर दिया। अच्छा, बिजनेस चालू कर रहे तो स्टार्टिंग से चालू कैसे करना है वो नहीं पता, सीधे ऑफिस ले लिया कॉलेज रोड पे, 50,000 रेंट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट चालू हुई, 4-5 लोग रख लिए काम को, उनको सैलरी है 30,000 रुपये महीना, 50-80 हो गया फिक्स, लाइट बिल वगैरह पकड़ के 20,000 ऑर्डर, 1,00,000 रुपये महीने का फिक्स कॉस्ट, उत्तर रेवेन्यू है क्या। फिर पापा को फोन लगाने का, पापा पैसे लग रहे बिजनेस को दे दो ना, पापा ने दिले 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, 15,00,000 पापा के ले लिए और धंधे में डाल रहा है, और धन पापा से लेके इधर सैलरी और रेंट में पैसा डाल रहा है, लॉस होने वाला है। इसमें गलती उसकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, ठीक है, गलती ये है कि उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली जो बिजनेस करना है। तो अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का, अगर बचपन से वो बोल रहे हैं पापा मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है, तो उसका करियर इस तरह से बनाइए जहाँ पे उसके एजुकेशन में उसको ट्रेनिंग मिल जाए बिजनेस ऐसे करने। जैसे हम लोग का सीए के अंदर हमको सिखाते हैं 3 साल जो काम में करने वाला सीए बनने के बाद। इसलिए जब मैं पास आउट हुआ 20 years 6 months मेरी एज थी तब 20.5 साल का, तब मैं जो ऑडिट करने जाता था वहां पे जो जीएम थे वो 55 years के 60 years के रहते थे, स्टिल हम उनके नॉलेज को मैच करते थे क्योंकि मैंने वो काम किया था 3 साल जो मैं वहां पे करने जा रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस में आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल अगर आपके पास नहीं दोस्तों तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए टू सर्वाइव करना।
और कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट सर, जो पॉइंट के अंदर मैं काम करता हूँ, अपने हमारे होस्ट साहब ने वो पॉइंट के बारे में बताया, स्किल इंडिया मिशन। हम लोग स्किल इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किल इंडिया का मतलब है कि इंडिया के अंदर ट्रेन करो, स्किल लाओ, एम्प्लॉयमेंट लाइए। कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं कि आज इंडिया के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है? हाँ सुपर कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत इंडिया, जॉब नहीं मिल रहे अभी। कितने लोग एग्री करते? मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर आज भी एम्प्लॉयमेंट है फॉर स्किल्ड पीपल। शिव खेरा का नाम सुना होगा आपने? शिव खेरा एक बहुत फेमस ऑथर है, किताबें लिखते हैं। उनकी किताब है यू कैन विन, मराठी अनुवाद यश तुमच्या हातात, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू कैन विन में उन्होंने लिखा है, पीपल आर नॉट योर एसेट्स, लोग तुम्हारी ताकत नहीं है, ओनली प्रोडक्टिव पीपल आर योर एसेट्स, सिर्फ वही लोग तुम्हारे काम के जिनके पास कुछ टैलेंट है, स्किल है, बाकी सब तुम्हारी लायबिलिटी, मतलब बाकी सब तुम्हारे ऊपर बोझ है। तुम्हारी ताकत वही है जो लोगों के पास टैलेंट है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे पास है जिनको कुछ नहीं आता तो वो तुम्हारा बोझ है। और इंडिया अभी क्या है, इतना पॉपुलेशन हो गया है क्या, अभी अपन नेशन से सीधा पॉपुलेशन ही होने वाले कुछ दिन, इतना पॉपुलेशन हो गया। तो सर प्रॉब्लम क्या है, मैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के अंदर लेक्चर देने गया था, मेरे को उन्होंने बुलाया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर मेरा टॉपिक था। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला, सर मैं इंजीनियर हूँ, मुझे डर लगता है मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बोला, बेटा देखो क्यों डर लगता है, क्यों तुझे ऐसा लगता है कि जॉब नहीं मिलेगा? बोलता है कि सर मार्केट कंडीशन। मतलब कौन से मार्केट में तू घुमा है? बोले सर सीनियर बोलते। मतलब कौन से सीनियर से तू मिला है? एक तो अनफॉर्चुनेटली जब तक इंजीनियरिंग के अंदर एक तो एटीकेटी ना लगे ना, उनको प्राउड फील नहीं होता है। ये एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट है। बोलते कि जब तक एक दो सब्जेक्ट रहना जाए ना, तब तक तो इंजीनियर नहीं बनेगा, एक तो रहने चाहिए सब्जेक्ट, जब तक उनको मजा नहीं आता। उसको मैंने बच्चों को पूछा कि आज भी तू नीमा हाउस में चल मेरे साथ, नासिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नीमा पता होगा आपको, नीमा के जो प्रेसिडेंट है उनसे हमारी मीटिंग होती रहती है। उन्होंने बोला कि ह्यूज रिक्वायरमेंट है आज भी इंडस्ट्री में, लेकिन हमको चाहिए वैसे लोग ही नहीं है। वो बच्चे को हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आता नहीं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए जाता हूँ अलग अलग कंपनीज में, जो बुलाती है कि आप आइए साहब, एमकॉम हुए हुए बच्चे को मैं पूछता हूँ कि तू बता जर्नल एंट्री कैसे करेगा, किसको डेबिट देगा, किसको क्रेडिट देगा, उसको लिखते नहीं आता, और सैलरी एक्सपेक्टेशन है 25,000। ऐसे बच्चे से तो मैं सोचता हूँ कि पैसे लूँ, तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है, देने की तो बात छोड़। तो अब अगर आप ये टाइप से बच्चे निकलने वाले